करवा चौथ का त्यौहार सुहागनी के लिए खास माना जाता है। ऐसे में सुहागनी महिला मिट्टी के करवे के साथ पूजा करती हैं, लेकिन क्या आपको मिट्टी के करवे के साथ पूजा करने से क्या होता है, इसके पीछे की मान्यता के बारे में जानकारी है? नहीं तो आज हम इस खबर में आपको बताने वाले हैं। दरअसल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला सुहागनियों के लिए बेहद खास होता है व्रत। यह सुहागनी महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जलता व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। महिलाएं चांद की पूजा करने के बाद व्रत को तोड़ती हैं। पूजा के दौरान मिट्टी के करवे का प्रयोग बेहद शुभ माना जाता है और पवित्र भी माना जाता है। करवा मिट्टी का बना एक मटका का नुमा होता है, जिसके एक नलकी नुमा आकार भी होता है। इसके करवे को माँ देवी का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। आचार्य प्रशांत शास्त्री बताते हैं, मिट्टी का करवा पंच तत्वों का प्रतीक माना जाता है। मिट्टी के करवे में पाँच तत्व होते हैं, जैसे कि जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश, वायु, जिससे व्यक्ति का शरीर भी बना होता है। करवे में मिट्टी और पानी मिलाया जाता है। पानी में मिट्टी का गलाकर करवा बनाया जाता है। यह भूमि जल तत्व का प्रतीक है। उसके बाद इसे धूप हवा से सुखाकर तैयार किया जाता है, पश्चात आग में पकाया जाता है, जिससे हमारी संस्कृति को पानी में परब्रह्म माना गया है। सभी जीवों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, इसीलिए इसको शुभ माना जाता है। क्या है, महिलाएं व्रत रहती है करवा चौथ को, उसके लिए तैयारी चल रही है। इन्हें करवा बोलते हैं, ये महिलाएं यूज करती हैं व्रत के दौरान करवा चौथ को। कितने दिन बाद यूज करती है करवा चौथ? ये एक तारीख की है। मतलब अभी आप तैयार करके मार्केट में भेजेंगे इसको? मार्केट में भेजते हैं, मार्केट में सेल होता है माल अपना। और क्या, कितनी लागत लगती है इसको तैयार करने में? लागत तो सर ये मेहनत है, इसमें काफ़ी मेहनत है। मिट्टी है, लाते हैं, मेहनत करते हैं। और क्या, लागत तो सब चीज़ महंगी ही है सर। और क्या, कितने रुपए का जाता है बाजार में? ये बाजार में बिकता है 30 का, 40 रुपए का, 30 रुपए, 40 रुपए का। इसमें कलर आते हैं, सुनहरी आती है, तैयारी मेहनत बहुत लगती है। कब से बना रहे हैं आप? हम बना रहे हैं, रक्षाबंधन से शुरू किया था, तब जाके व्यवस्था बन पाई। घटे बताएंगे, चुन्नी लाल प्रजापति। क्या नाम है?